देश भर के कई राज्यों में मंदिरों में मर्यादित वस्त्र पहन के आने की अपील के साथ ड्रेस कोड लागू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर की कमेटी ने भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है और मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की अपील की है। मंदिर कमेटी का कहना है कि भक्तों को मंदिर में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे मर्यादित वस्त्र पहनकर आएंगे। मंदिर में एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर भक्त मर्यादित कपड़े पहनकर नहीं आएंगे तो उन्हें बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। श्री खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी की ओर से लगाए गए नोटिस बोर्ड में मंदिर प्रबंधन की ओर से आग्रह किया गया है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करें। कृपया सहयोग करने की कृपा करें। वहीं मंदिर कमेटी के इस फैसले का यहां आने वाले भक्तों ने भी स्वागत किया है। भक्तों का कहना है कि मंदिरों में आने के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, ये एक अच्छा फैसला है। लोगों को मंदिर में आते वक्त उचित कपड़े पहनने चाहिए और भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये खाटू श्याम मंदिर है और इसमें ये ड्रेस कोड लागू किया गया है और इसमें अनुरोध है सभी भक्तजनों से कि अपना पूरे ड्रेस पहन कर आएँ और अपनी मर्यादा में रहें और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ये अच्छा भी है। मेरा मानना यह है कि अगर पूरे वस्त्र पहन कर आएँ तो अच्छा होगा मंदिर के हिसाब से। मेरा मानना है कि भी जैसे हमारे मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि भी कोई भी बच्चा बड़ा छोटे कपड़े पहनकर या फटी जीन्स वगैरह पहनकर ना आए, क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे सभी की आस्था अपने धर्म के प्रति रहती है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा छोटा बड़ा, महिलाएं बच्चे, कोई भी छोटे वस्त्र पहनकर या फटे हुए वस्त्र पहनकर। बता दें पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए गए हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि सिर्फ मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर में प्रवेश करें, अन्यथा बाहर से ही दर्शन करने की कृपा करें। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए हापुड़ से संवाददाता सुनील गिरी की रिपोर्ट। और देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।